नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज पूरे विश्व ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर ली है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी लगातार तरक्की हो रही है। अमेरिका सहित अन्य बड़े बड़े देश विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों पर जो गर्व करते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख उपलब्धियां तो हमारे देश भारत ने हजारों वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिए थे। विज्ञान के क्षेत्र में न्यूक्लियर वेपन की खोज हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में कठिन से कठिन सर्जरी की, हमारे देश भारत में ये सारी जानकारियां हजारों वर्ष पूर्व से ही मौजूद थी। हमारे देश के इतिहास के उन्नत ज्ञान को सीखकर और अपनाकर ही आज दूसरे देश तरक्की कर रहे हैं। अगर बात चिकित्सा के क्षेत्र की करें तो चेहरे को सुंदर बनाने की कॉस्मेटिक सर्जरी हो, या बच्चे के सिजेरियन सर्जरी से जन्म हो, या मुश्किल से मुश्किल हालात में किसी के कट चुके अंग को वापस जोड़ना हो, आपको लगता होगा कि ये सब मेडिकल साइंस ने तरक्की के साथ सीखा है। लेकिन आज हम आपको बता दें कि भारत में एक ऐसी किताब मौजूद थी जिसमें महर्षि सुश्रुत ने मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को करने के तमाम तरीके बता दिए थे, और उसी किताब को आधार बनाकर पूरे विश्व ने सर्जरी को सीखा। लगभग 2600 साल पहले वैदिक कालखंड में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत उत्तर भारत के पवित्र और पुरातन शहर काशी में रहते थे, जो आज बनारस या वाराणसी के नाम से जाना जाता है। काशी के महाराज काशीराज देवोदास से महर्षि सुश्रुत ने मेडिसिन का ज्ञान प्राप्त किया और वो वैद्य बने। वैद्य होने के नाते वो उस समय युद्ध में घायल हुए सैनिकों का इलाज करते थे। उन सैनिकों की अवस्था को देखकर सुश्रुत को सर्जरी की प्रेरणा मिली, जिससे वो सैनिकों के टूटे हुए अंगों को सर्जरी या शल्य क्रिया के द्वारा ठीक कर सकें। उस समय किसी अवैध अपराध के दंड के तौर पर अपराधी के नाक काटने का दंड दिया जाता था। सुश्रुत ने राइनोप्लास्टी या नाक की सर्जरी का आविष्कार किया, जिससे वे टूटे हुए नाक को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सके। सुश्रुत दुनिया के पहले कैटरैक्ट सर्जन भी थे, जिन्होंने कई लोगों के आंखों के दोष को ठीक किया था। करुणा की भावना से अपना काम करने वाले महर्षि सुश्रुत ने सर्जरी जैसे वैज्ञानिक विद्या का आविष्कार किया, जो कि उन समय में बिल्कुल नया था। इन्हीं कारणों से उन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी काशी में 3000 वर्ष पहले हुई थी। इतिहास में ये दर्ज है कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी आज से लगभग 3000 साल पहले काशी में की गई थी, जब महर्षि सुश्रुत के पास एक व्यक्ति कटी हुई नाक के साथ पहुंचा था। पहले सुश्रुत ने उस व्यक्ति को नशीला पदार्थ पिलाया जिससे उसे दर्द ना हो, उसके माथे से त्वचा का हिस्सा लिया, पत्ते के जरिए उसकी नाक का आकार समझा और टाके लगाकर नाक बना दी और जोड़ दी। सर्जरी का आविष्कार करने के साथ साथ उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कई सर्जिकल उपकरणों की आवश्यकता होगी, और आवश्यकता सभी आविष्कारों की जननी है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुश्रुत ने 121 शल्य चिकित्सा उपकरणों का आविष्कार किया, और ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले सर्जन थे। सुश्रुत संहिता में ये भी दर्ज है कि सुश्रुत 125 अलग अलग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते थे। चाकू, सुई, चिमटे जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को वो उबाल कर यूज़ करते थे। सुश्रुत संहिता के 184 चैप्टर हैं, जिसमें 1120 बीमारियों के बारे में बताया गया है। साथ ही 700 मेडिसिन वाले पौधों का जिक्र है। 12 तरह के फ्रैक्चर और 7 डिसलोकेशन यानी हड्डी का खिसकना समझाया गया है। महर्षि सुश्रुत को 300 अलग अलग तरह की सर्जरी आती थी, जिसमें नाक और कान की सर्जरी मेन थी। आंखों की सर्जरी में उन्हें महारत हासिल थी। इसके अलावा सर्जरी से बच्चे का जन्म, एनेस्थेसिया यानी बेहोश करने की सही डोज का ज्ञान भी उन्हें खूब था। अपने शिष्यों को सिखाने के लिए महर्षि सुश्रुत फल, सब्जियां और मोम के पुतलों का प्रयोग करते थे,
बाद में शवों पर उन्होंने खुद सर्जरी सीखी और फिर अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाई। अफसोस और हैरानी ये है कि हमारे देश भारत के उन्नत संस्कृति और ज्ञान से अभी भी कुछ लोग अपरिचित हैं। लेकिन इसमें दोष पूरी तरह से उनका भी नहीं है, क्योंकि कुछ स्कूलों में सही इतिहास बताया ही नहीं गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि केरल स्टेट बोर्ड में क्लास 9th में सोशल साइंस की किताब में फादर ऑफ सर्जरी के तौर पर कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है। इस किताब में एक अरब मुस्लिम अबू अल कासिम अल जहरावी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो मदीना में पैदा हुए थे। सुश्रुत का जन्म 800 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि अल जहरावी के जन्म का समय 936 AD का मदीना में बताया जाता है। हालांकि मॉडर्न मेडिकल साइंस के जानकार मानते हैं कि 400 साल पहले ही सर्जरी के बारे में दुनिया को पता लगा था, लेकिन महर्षि सुश्रुत ने कई हजार साल पहले इस काम को करके दिखा दिया था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जन्स में महर्षि सुश्रुत की मूर्ति लगी हुई है। महर्षि सुश्रुत की एक पेंटिंग एम्स के हाल ही में बने प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में भी बनी हुई है। 15 जुलाई को भारत में प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया जाता है। सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया को प्लास्टिक सर्जरी सिखाने की शुरुआत भारत ने 3000 साल पहले कर दी थी। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डॉक्टरों ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये प्रस्ताव भेजा है कि उन्हें महर्षि सुश्रुत के काम और आज की मेडिकल सर्जरी की दुनिया के संबंध को साबित करने वाली रिसर्च के लिए मंजूरी दी जाए। ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मेडिकल साइंस के इतिहास का सच लोगों को बताना। ग्रीस और अमेरिका जैसे देश अभी प्लास्टिक सर्जरी से लेकर मेडिकल साइंस की लगभग हर नई टेक्नोलॉजी को अपना बताकर दूसरों को सिखा रहे हैं, लेकिन भारत अब मेडिकल साइंस की सबसे मुश्किल टेक्निक के जनक से दुनिया को मिलवाना चाहता है। दुनिया को चिकित्सा विज्ञान भारत ने ही दिया। असल में वेदों में आयुर्वेद का जो उल्लेख मिला उसे दो भागों में बांटा गया। पहला था आत्रेय संप्रदाय। इससे संबंधित जानकारी हमें चरक संहिता में मिलती है, जिसमें अलग अलग बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ महर्षि चरक ने लिखा था। महर्षि चरक एक आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। दूसरा संप्रदाय था धन्वंतरी। इससे संबंधित जानकारी सुश्रुत संहिता में मिलती है, जिसमें 100 से अधिक अलग अलग तरह की सर्जरीज और 650 से ज़्यादा दवाइयों का जिक्र किया गया है। सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री और शल्य चिकित्सक थे। वो आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता भी हैं। उन्हें शल्य चिकित्सा यानी मेडिकल सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि एलोपैथिक इलाज की उत्पत्ति आयुर्वेद के 2000 वर्षों के बाद हुई। आयुर्वेद ने हमें कई महत्वपूर्ण ग्रंथ भी दिए। इसके अलावा ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को 8 भागों में बांटा था और उन भागों को उन्होंने तंत्र का नाम दिया। ये सारे भाग अलग अलग चिकित्सा के उपकरण को समझाते हैं। इनमें पहला है शल्य तंत्र, इसको अंग्रेजी में सर्जरी कहते हैं। दूसरा है शलाक्य तंत्र, इसे अंग्रेजी में ENT विभाग कहते हैं, यानी इसमें मुंह, नाक, आंख और कान के अंगों में जो रोग होता है उससे संबंधित निवारण के बारे में लिखा हुआ है। तीसरा है काय चिकित्सा, इसको जनरल मेडिसिन कहते हैं, इसमें बुखार, खांसी और जुकाम जैसी बीमारियां आती हैं। चौथा है भूत विद्या तंत्र, इसमें ग्रह दशा से संबंधित चिकित्सा के बारे में लिखा हुआ है। पांचवा है कुमार प्रत्यु, इसमें बच्चों, स्त्रियों और स्त्री रोग से संबंधित रोग का उल्लेख मिलता है। छठा है अग्दत तंत्र, इसको अंग्रेजी में टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, इसमें जहर के बारे में ज्ञान दिया गया है। सातवां है रसायन तंत्र, इसमें बुढ़ापे में बल, पौरुष और दीर्घायु बनने के बारे में लिखा गया है। और आखिरी है वाजीकरण, इसमें शरीर के गुप्त रोग का उल्लेख मिलता है।
कहने का मतलब ये है कि भारत के पास आयुर्वेद के रूप में, योग के रूप में और अध्यात्म के रूप में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है। हमारे देश में महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत जैसे महान विभूतियों ने जन्म लिया है, लेकिन इतिहास में इनके बारे में कम ही बताया जाता है। सुश्रुत संहिता 600 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। शल्य चिकित्सा और चिकित्सा के बारे में ये अनूठी संस्कृत लिपि अरब अनुवाद के रूप में 800 ईस्वी में दुनिया के सामने लाई गई थी और इसे किताब शाह शुन अल और किताब मै सुश्रुत कहा जाता था। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में हेस्लर ने संस्कृत लिपि का लैटिन में और मूलर ने जर्मन में अनुवाद किया। इस तरह सुश्रुत संहिता और उसके रचयिता ऋषि सुश्रुत को विश्वव्यापी पहचान मिली, लेकिन समय के साथ उनका नाम और महत्व समाप्त हो गया। 1907 में कोलकाता के कविराज कुंजालाल ने सुश्रुत संहिता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, लेकिन अनुवाद को पर्याप्त मान्यता नहीं मिली। 20वीं सदी में जब दुनिया ने आयुर्वेद को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया तो उन्हें ऋषि सुश्रुत के चिकित्सा विज्ञान के महत्व और सर्जरी में उनके योगदान का एहसास हुआ। सुश्रुत संहिता को प्राचीन भारतीय चिकित्सा साहित्य के रत्नों में से एक माना जाता है। ताड़ के पत्तों पर लिखी सुश्रुत संहिता की पांडुलिपियों में से एक को लॉस एंजल्स के काउंटी संग्रहालय कला में रखा गया है। मध्यकालीन भारत में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की कला को एक नया अर्थ दिया। 620 ईसा पूर्व का वर्ष शल्य चिकित्सा के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। महर्षि सुश्रुत के अतुलनीय ज्ञान से प्रेरित होकर अमेरिकी सर्जन एलन रिपल ने कहा, कुल मिलाकर सुश्रुत को पूर्व मध्यकाल का सबसे बड़ा सर्जन माना जाना चाहिए। सुश्रुत का अर्थ है अच्छी प्रतिष्ठा में से एक। ऋषि सुश्रुत ने अपना नाम गौरवान्वित किया। वो अपने काम के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, लेकिन उन्होंने भारतीय चिकित्सा ज्ञान को भी दूसरे की तुलना में बहुत अधिक विकसित किया। सोचिए केरल में जो बच्चे ये पढ़ रहे हैं कि अल जहरावी फादर ऑफ सर्जरी थे, क्या वो कभी बड़े होकर ये मानेंगे कि उन्होंने गलत इतिहास पढ़ा, या ये बात आप भी स्वीकार करेंगे? आपके लिए ऐसा करना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे देश में गलत इतिहास को आपके दिमाग में ऐसा फीड किया गया है कि ये इतनी आसानी से डिलीट नहीं हो सकता। यही वजह है कि हम बार बार सही इतिहास के बारे में आपको जागरूक करने की कोशिश करते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। प्राचीन समय से ही हमारे हिमालय में दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जिसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी का पहाड़ ले गए थे श्री लक्ष्मण जी के उपचार के लिए। वो जड़ी बूटियाँ इतनी दुर्लभ थीं कि उसमें कठिन से कठिन उपचार, जैसे कि कटे हुए अंगों को दोबारा से जोड़ना, अर्धमृत व्यक्ति को जीवित कर देना, ऐसे अनेक उपचार करने के लिए ये जड़ी बूटियाँ सक्षम थी। इतनी उन्नत थी हमारी चिकित्सीय पद्धति। यहाँ कई खोजकर्ता समय समय पर आए और हमारे भारत के हिमालय से प्राचीन दुर्लभ जड़ी बूटी उपचार चिकित्सा पद्धति की शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने देश में ले गए और अपने अपने देश को भी उन्नत बनाया। आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि कैसे पश्चिमी देशों ने हर क्षेत्र में भारत के महत्व को कम किया और भारत के पास अध्यात्म, योग और आयुर्वेद की जो विरासत है उसे कल्पनाओं से जोड़ा। ये बात सही है कि इलाज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जिसे आप एलोपैथी कहते हैं, वो 2400 वर्ष पुरानी है। 400 ईसा पूर्व ग्रीस के एथेंस शहर में रहने वाले हिपोक्रेट्स को आधुनिक चिकित्सा का जनक कहा गया। वो ग्रीक के महान चिकित्सक थे, लेकिन ये भी सच है कि इलाज की प्राचीन पद्धतियों में से एक आयुर्वेद की शुरुआत 3 से 4 हजार वर्ष पहले हुई थी। आयुर्वेद संस्कृत भाषा के दो शब्द आयुर और वेद से बना है। आयुर का अर्थ होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है विज्ञान, यानी आयुर्वेद जीवन के विज्ञान को परिभाषित करता है। अथर्ववेद में 114 श्लोक
ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज का जिक्र करते हैं। अथर्ववेद में कई प्रमुख बीमारियों के बारे में बताया गया है, जैसे बुखार, खांसी, पेट दर्द, डायरिया और स्किन की बीमारी। इन बीमारियों का इलाज कैसे करना है, इसके बारे में अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में 67 औषधियों का उल्लेख मिलता है और यजुर्वेद में 82 औषधियों का उल्लेख दिया गया है, जबकि सामवेद में आयुर्वेद से संबंधित कुछ मंत्रों का वर्णन प्राप्त है। यानी हमारे वेदों में विस्तार से आयुर्वेद का उल्लेख है और ये इलाज की एक प्राचीन पद्धति है। हिमालयन क्षेत्र में दुर्लभ से दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती रही हैं। हमारा भारत देश हमेशा से उन्नत रहा है, हमारी संस्कृति हमेशा से उन्नत रही है। बस ज़रूरत है सही इतिहास को जानने की और आज की पीढ़ी को सही इतिहास बताने की। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों तक सच्चाई पहुँच सके। धन्यवाद। Thank you.